चलिए गई सो तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए तो सबसे पहली स्टेप मैंने मेंशन की है रीड क्वेश्चन प्रॉपरली देखिए क्वेश्चन को पहली बार में ही आपने इतने अच्छे से रीड करना चाहिए कि आपको दोबारा पढ़ना ना पड़े और अब कभी भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर कर रहे हैं तो उसमें डेट्स ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर कोई क्वेश्चन बहुत लंबा है लॉन्ग क्वेश्चन है सीपीए में तो उसमें यूजलेस इंफॉर्मेशन बहुत सारी होंगी मैं आज आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगे कि हमको क्वेश्चन को कितने अच्छे से पढ़ना चाहिए डेट्स ईयर का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है और क्वेश्चन में यूजलेस इंफॉर्मेशन जो आपके किसी काम की नहीं है उसको कैसे डील करना चाहिए तो सीधे चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं सीपीए फार का और देखते हैं कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और इस मेथड से आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प मिलने वाली चलिए तो आगे बढ़ते हैं तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन है ध्यान से देखिए द फॉलोइंग इज अ गोल्ड फॉर जून थर्टी ईयर सिक्स ट्रायल बैलेंस तो देखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान से ये भी पढ़ना पड़ेगा कि ये ट्रायल बैलेंस अब ट्रायल बैलेंस में आपको पता है कि सारे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखा हुआ है कैश ओवर ड्राफ्ट है अकाउंट रिसीवेबल है इन्वेंट्रीज है प्रीपेड है लैंड और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं सो नीचे अगर एडजस्टमेंट में हम पढ़े तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट क्या करना है तो वो बोल रहे हैं कि जून थर्टी ईयर सिक्स की बैलेंस शीट में हमें करंट एसेट्स का कैलकुलेशन करना है

जून ट्वेंटी नाइन इन हमने हमारे एक सप्लायर को चेक इश्यू किया है कब इशू किया है जून ट्वेंटी नाइन में थर्टी थाउजेंड डॉलर का जिसके कारण हमारा कैश का बैलेंस नेगेटिव आ गया लिख रहे रिजल्टिंग कैश ओवर ड्रॉफ्ट टेन थाउजेंड आपके कैश का बैलेंस क्या दिखा रहा है क्रेडिट दिख रहा है ओवरड्राफ्ट मतलब क्रेडिट द चेक वॉज मेल्ड जुलाई नाइन ईयर सिक्स में हमेशा बोलता हूं इयर इंपॉर्टेंट तो आपने तो आपका बैलेंस सिक्स ईयर में ही कम कर दिया जबकि आपने चेक एक्चुअली में सामने वाले को जुलाई में, में मेल किया आपसे पूछ कब रहे हैं वो जून थर्टी सिक्स की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पूछ रहे हैं तो जो चेक आपने जुलाई में सामने वाले को मेल किया है उसकी एंट्री आप जून में ही पास कर चुके हैं मतलब आपने आपके बैलेंस को थर्टी थाउजेंड से कम कर रखा है तो इस नेगेटिव बैलेंस में थर्टी थाउजेंड के बैलेंस को बढ़ा देंगे तो ये पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा ट्वेंटी ये क्रेडिट है ना

ये हो गया वन लैख ट्वेंटी फाइव लैंड फॉर रीसेल रीसेल करने वाले हैं, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है कि पंद्रह जुलाई को आपने बेच दिया तो इसका मतलब ये भी करंट से तो 125 प्लस कितना हो गया टू ट्वेंटी फाइव बाकी ये सारा तो क्या है लॉन्ग टर्म अट से नॉन करंट से तो टू ट्वेंटी करेक्ट एंसर तो यहां पे आप टू ट्वेंटी फाइव पे लगाएंगे तो ये करेट तो जब भी आप एमसीक्यू करें तो डेट्स को आपने ध्यान रखना है बड़े क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होना है एडजस्टमेंट को प्रॉपर पढ़ना है और एमसीक्यू अगर गलत हो जाए दोबारा प्रैक्टिस करते समय नीचे सॉल्यूशन को जरूर पढ़ें। अगर आपने सॉल्यूशन को सही तरीके से रीड किया सही कॉन्सेप्ट क्लियर और एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता है सीपीए इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन नहीं है अगर एक सही अप्रोच को फॉलो किया जाए तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि आपको पूरा फोकस सही प्रोसेस को फॉलो करने में लगाना है अगर आपकी प्रोसेस सही है तो रिजल्ट भी आपका पॉजिटिव होगा बहुत जल्दबाजी मत कीजिए पेशेंस के साथ में स्टडी कीजिए और एक ही बार में ऐसी स्टडी कीजिए जिससे आपको बार बार ना पढ़ना पड़े तो चलिए फिर कभी आपसे मिलते हैं किसी और नए कॉन्सेप्ट के साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू थैंक यू अगेन